Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another very important topic जो कि examination में कई बार short notes में पूछा जाता है and that is nothing but moral remedies. ठीक है, moral remedies has been discussed in footnote 17 PG में पूछा जा सकता है ये question. Now let's move on. What is moral remedy? So body जो है हमारी वो mind की feelings को reflect करती है बाहर. ठीक है, और ये जो इंटरनल हमारी प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल सफरिंग्स है, वो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस. ठीक है, तो अगर हम माइंड को हैप्पी रखेंगे, माइंड को प्रॉब्लम से दूर रखेंगे, मैन की माइंड को साइकोलॉजिकल सफरिंग्स से दूर रखेंगे, तो क्या होगा? ये पर्सन जो है उसमें साइकोसोमैटिक डिजीजेस, साइकोसोमैटिक मतलब माइंड की वजह से जो डिजीज सोमा मतलब सेल्स पे आ रही है वो नहीं आएगी. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? बॉडी रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ द माइंड एंड द साइकोसोमैटिक डिजीज द साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑफ द मैन आर रिफ्लेक्टेड ऑन द बॉडी एंड डैमेजेस द वेरियस एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द मैन. ठीक है, तो ये क्या करती है? ये मैन के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको इफेक्ट करती है एंड एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज डिप्रेस्ड वो क्या होगा? वो अपनी इलनेस से रिकवर नहीं करेगा. ठीक है, उसको कितनी भी एंटीसोरिक मेडिसिन आप दे दो बट अगर उसके माइंड में कुछ चल रहा है तो वो पर्सन जो है वो रिकवर नहीं करेगा. तो उस केस में डॉक्टर हैनमन ने रिकमेंड किया है फिजिशियन को एंकरेज करने के लिए और उसको मॉरल गाइडेंस और काउंसलिंग देने के लिए. ठीक है, इट इज वेल नोन दैट एंड एक्सेप्टेड दैट व्हेन अ सफरिंग पर्सन कंपेयर्स हिज सफरिंग विद अनदर पर्सन हु हैज सिमिलर बट मोर सफरिंग देन हिम ही गेट्स अ साई ऑफ रिलीफ. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप लिख नहीं पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है एंड यू फाइंड योरसेल्फ वेरी डिवेस्टेटेड दैट आपका एग्जाम आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, हाथ में चोट लगी है, एक्स वाई जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. बट देन एट द सेम टाइम इफ यू ऑब्जर्व और थिंक अबाउट अ पर्सन हु डज नॉट हैव दिस एबिलिटी टू राइट, उसके पास हैंड्स नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस हो गए हैं या फिर वो अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट और उसके साथ ऐसा हो गया है, तो आपको क्या लगेगा? आपको उस टाइम आपकी कंडीशन फार बेटर देन उस पर्सन से लगेगी दैट एटलीस्ट मैं ठीक हो जाऊंगा, एटलीस्ट मैं फर्दर इन नियर फ्यूचर लिख पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा. तो सेम इज द कंडीशन व्हाट हैनमन, डॉक्टर हैनमन सर हैज सेड अस टू डू दैट हमें काउंसिल करना है पेशेंट को और उसको ऐसे पर्सन से मिलाना है या फिर ऐसे पर्सन की सफरिंग को डिटेल करना है जिसे उससे अपनी कंडीशन बेटर लगे, इसकी वजह से उसको रिलीफ मिलेगा और पर्सन जो है वो दिस रिलीफ विच ही गेट्स फ्रॉम द कंपेरिजन ऑफ द अदर पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ मॉरल रेमेडी. ठीक है, इस चीज को ही डॉक्टर हैनमन ने मॉरल रेमेडी कहा है. यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है दैट अ पर्सन लूजेज वन हैंड इन एन एक्सीडेंट, ही इज सो डिप्रेस्ड फॉर हिज फिजिकल डिसेबिलिटी. When he comes across another person who has lost both of his hands, he finds his own condition better than the other. And thanks God that at least he can walk on his own legs. This comparison works as a moral remedy and relieves the depression with which the person is suffering. I'm sure you might have understood this point. ये बहुत sensitive और बहुत अच्छा topic है. कई बार examination में पूछा गया है, viva में भी पूछा गया है. That is why I thought of sharing this topic with you all. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड अगर आप ऑर्गेनॉन, मटीरिया मेडिका, फार्मेसी एंड रिपोर्टरी इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हो तो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इनसाइड ऑर्गेनॉन एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.